हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कोक स्टूडियो पे। बहुत सारी रिक्वेस्ट है, बहुत समय से आ रही है कि कोक स्टूडियो पे रिएक्ट करो। और कोक स्टूडियो की कौन सी वीडियो है जो एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मेरा फेवरेट सिंगर है दोनों, तो हम रिएक्ट करने वाले हैं कोक स्टूडियो के आतिफ असलम। तो किस तरह कॉमेंट्री जैसे बोल रही है, बोलना आतिफ असलम ताजे धर्म रिएक्ट करने वाले। आतिफ असलम ताजदार ए हरम। ताजदार ए हरम है, तू बोल। बोल दिया मैंने ताजदार ए हरम। तो इसका एक दूसरा भी सॉन्ग अभी न्यू सत्यमेव जयते की जॉन अब्राहम की जो मूवी है उसमें भी ये सॉन्ग था, पर जो मुझे ये अच्छा लगता है मैं यही सुनता हूँ। क्यों? तो इस वीडियो को देखते हैं। चलिए, वीडियोस की व्यूज़ मालूम है 132 मिलियन व्यूज है। गेस कुशल ने इसको एक और रीज़न से उठाई होगी इस वीडियो को, क्योंकि आतिफ असलम की है और कुशल को बहुत सारी कमेंटें आती हैं कि भाई आतिफ असलम नहीं उठा ली। चलो आतिफ असलम उठाते हैं, मेरा कॉपी है, एक इधर दो आतिफ असलम। नहीं, ये सॉन्ग रियली बहुत अच्छा लगता है और आतिफ असलम तो मेरा वैसे ही फेवरेट है, उसके सारे सॉन्ग मुझे पसंद है। चल खाली बस चल बोल, चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर रहा हूँ मैं। 3 2 1 कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। और इसके मस्त
मदीने चले और ये कवाली थी, कवाली भी गॉड को डिवोटेड थी, उर्दू में थी और बीच में शायद कोई और भी लैंग्वेज उन्होंने यूज की थी, वो दूसरी वाली लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई, उर्दू थोड़ी थोड़ी मेरी समझ में आई जितनी आई मैंने, बाकी इसकी इसमें ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आई, मतलब जो लोगों, बहुत सारे लोग होंगे इंडिया से या जिन्हें भी गाना नहीं समझ में आता हो, कुछ जो वर्ड्स होते हैं फिर भी इसको फील अच्छे से कर सकता है, और एक ये सुकून देने वाला गाना है और इसको बार बार भी सुन सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि एक बार सुन लिया, सॉन्ग्स होते हैं कि आप कोई सॉन्ग्स सुन सुन के बोर हो जाते हैं, पर ये गाना ऐसा नहीं है, ये गाना देना रूह को सुकून देने वाला गाना है थोड़ा, क्योंकि ये एक तो कवाली थी और दूसरा ये गॉड को डिवोटेड वाला डिवोटेड सॉन्ग था, जिसमें वो नहीं कह रहा था कि ताजदार हरम ही इटसेल्फ मींस, ताजदार मींस किंग, किंग ऑफ होली सैंक्चुरी, तो उस टाइटल का नाम ही उसी पे है, भगवान के ऊपर है, तो
ये एक बहुत ही होली सॉन्ग था। दूसरा इसमें जो हारमोनियम और तबला बज रहा था ये दोनों क्लासिकल में आते हैं। जो इनका ये शायद एक कोक स्टूडियो, स्टूडियो मीन्स वही होता है कि सॉन्ग जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो म्यूजिक जो थी वो तो बहुत अच्छी थी, लाइव ऑर्केस्ट्रा थी, बट ये दो है ना वो क्लासिकल म्यूजिक के हिस्से हैं जो जब भी सुनते हैं ऑब्वियसली उसमें हम एंग्रोस्ड हो जाते हैं और उसको इंजॉय करते हैं। और गाया आतिफ असलम ने है तो उनकी तो सिंगिंग की तारीफ करना मतलब मैं किन शब्दों से करूं। नहीं ऐसे तो हम कोई जज नहीं होते, वी आर नॉट एनीवन टू जज दिस सॉन्ग, या हम सॉन्ग्स पे इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं कि हम होते ही नहीं है यार उस चीज, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इनकी सिंगिंग को इनके म्यूजिक को जज कर सके या कुछ बोल सके इसके ऊपर, सिर्फ हम एक कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वैसे मेरी अपनी चॉइस बताऊँ तो मैं कव्वाली इतनी पसंद, मतलब कव्वाली इतना सुनता नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ कव्वाली। वो जो खासकर मज़ा तब आता है जब पीछे वाले वो बैठ के नहीं वो ताली बजा के कोरस देते हैं, उस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार मुझे उनका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है कोरस वाला। मेरा फेवरेट सॉन्ग था इसलिए हमने आज हमने ये सिलेक्ट किया। और आपको ये आपको भी गाना ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइए कि आपको भी ये गाना अच्छा लगता है। गाना ऐसा है कि एक बार सुन के ना मन नहीं भरेगा। इसमें काफ़ी वो थी, फ्लक्चुएशन थी, पहले थोड़ा म्यूजिक अलग चलता है, पहले बहुत स्लो से शुरू हुआ, फिर स्पीड पकड़ा, फास्ट, फिर बहुत स्पीड पकड़ा, फिर एकदम स्लो हुआ, फिर एकदम स्पीड पकड़ा। और वो एक सिंगर के लिए बहुत मुश्किल होता है एक स्केल से दूसरे स्केल में जंप करना, जो कि इन्होंने किया। वो आई थिंक आतिफ असलम जैसे सिंगर ही कर सकते हैं, हम लोगों की तो मतलब सिंगिंग की कुछ बोलो ही नहीं। एक बार सुनने में मन नहीं भरेगा, इस सॉन्ग को बार बार सुनने की इच्छा ज़रूर होगी। और उर्दू भाषा में गाना था तो उर्दू भाषा की एक अपनी अलग मिठास है, भले कुछ शब्द मुझे समझ में नहीं आए, मुझे उसके वर्ड्स को समझने पड़ेंगे धीरे धीरे। और बीच में कोई एक और अलग भाषा यूज की थी, वो तो वो एक वो था आओ मदीने चले, देख तो मीनिंग क्या है मदीना, है मदीना सऊदी अरब में एक पिलग्रिमेज सेंटर, पिलग्रिमेज है हाँ, जहाँ पे लोग जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, हज आओ के लिए मदीने चले हाँ, इसी तो महीने वो चले। एक रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ पे वो उसी को वो शायद ताजदारे हरम मीन्स द किंग ऑफ होली सेंचुरी वो भगवान को ही बोल रहे थे। कि इसकी एक लाइन वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुम्हारे दर पे हम आए हैं, कुछ कुछ ऐसी थी आपके दर से ना कोई खाली और यहाँ से हम खाली जाएंगे तो और हम फिर कहाँ जाएंगे, ये वाली लाइन मेरे को बहुत टच कर रही थी यार। हाँ ये तो सही है। सो इफ यू लाइक द वीडियो उसे लाइक ज़रूर करें, ऑब्वियसली आपको पसंद तो आया होगा, ये गाना मेरा फेवरेट है यार। लाइक करो दो आते फसलम थे इस वीडियो में। नहीं नहीं आज मेरे बाल बैठे हुए हैं इसके पीछे थे, आज मेरे को भी ऐसे पीछे करके रखने थे। हाँ तो आते फसलम लगता है। अरे रे बट अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। चल तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद वाले बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अगले वीडियो की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय।